जाओ बैठ जाओ बैठो गुड मॉर्निंग शांत हो जाओ क्लास में दिख नहीं रही मैं कितनी बार समझाना पड़ेगा कि जब मैं आ जाया करूं तो शांत हो जाया करो बकवास मत करो अगर इधर उधर की बातें करी ना क्लास से निकाल के बाहर फेंक दूंगी क्लास में आते नहीं इधर उधर की बातें शुरू ये नहीं पूछेंगे मैम कल मैंने जाके पढ़ा ये सीखा ये किया वो सब कुछ नहीं फालतू तो दुनिया जहान की बातें लेके आते हो यहाँ पर चुप हो जाओ भैंस करने की बहुत ज्यादा आदत है चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रस कहाँ तक पढ़ा था वीरस पढ़ लिया था हमने अब हम पढ़ेंगे अद्भुत रस चलिए अद्भुत रस की परिभाषा लिखिए लिखो जब किसी काव्य में जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का ऐसा वर्णन किया जाए का ऐसा वर्णन किया जाए जिसे सुनकर या देखकर जिसे सुनकर या देखकर मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है देखकर मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है आश्चर्य य के ऊपर र की मात्रा लगेगी आश्चर्य के अंदर र का उच्चारण च के बाद है और ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई है जब आप लिखोगे लिख रहे हो आश्च के बाद र का साउंड है र यहाँ पे आधा आता है तो पीछे वाला वर्ण इसे अपने ऊपर धारण करता है र के रूप में पढ़ाया है ना तो जहां पे उच्चारण आ रहा है उस वर्ण के ऊपर ही नहीं रहेगा जिस वर्ण के बाद में उच्चारण आ रहा है उसे बाद वाले वर्ण पर रहेगा ठीक है जब किसी काव्य को देखकर सुनकर मन में जो आश्चर्य उत्पन्न होता है यानी कोई भी ऐसी बात जिस बात से आपको ऐसा लगे कि ये होना कैसे संभव है जहां पे हम आश्चर्यचकित हो जाएं, वहाँ हमारा क्या होता है अद्भुत रस होता है अद्भुत रस में हम बात करेंगे इसके स्थाई भाव की तो इसका स्थाई भाव होगा विश्वय विश्मय का अर्थ ही होता है आश्चर्य होना आश्रय आलंबन होगा जिसके मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ है इसमें नायक नायिका लेखक पाठक कवि श्रोता दर्शक आदि आलंबन की बात करेंगे तो वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके प्रति आश्चर्य उत्पन्न हुआ है अब आलंबन अगर होगा पंक्ति में तो आलंबन और नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार विषयालंबन हो ठीक है उद्दीपन की बात करेंगे वे परिस्थितियां जिनके कारण आश्चर्य उत्पन्न हुआ है वस्तु की विचित्रता घटना की नवीनता आदि अनुभव में बात करेंगे तो आश्रय की चेष्टाएं जैसे अचरज भरी नजरों से देखना मुंह फाड़ना दांतों तले उंगली दबाना आदि संचारी भाव में बात करेंगे तो हर्ष गर्व उत्सुकता जिज्ञासा जड़ता कोई भी हो सकता है इनमें से दो हो सकते हैं दो से ज्यादा हो सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं जैसे उदाहरण हमारा दिया है पहला उदाहरण है यहां देखेंगे हम यह देख गगन मुझमे लय है यह देख पवन मुझमे लय है मुझमें विलीन झनकार सकल मुझमें लय है संसार सकल मैंने आपको कल बताया था कृष्ण की चेतावनी जो हमारी कविता है उसी में से कुछ पंक्तियां हैं अब कृष्ण की चेतावनी में कुछ जो पंक्तियां हैं वो रस की हैं कुछ है अद्भुत रस की अद्भुत रस मतलब जब ऐसा होना संभव ना हो और वैसा आपको होता हुआ दिखाया जाए वहां पर अद्भुत होगा और आप ये भी कह सकते हैं कि जिस पंक्ति के अंदर आपको अलंकार देखने को मिले वहां पर हमारा कौन सा होता है अद्भुत रस होता है साथ ही साथ जहां पर आपको संदेह अलंकार हो संदेह अलंकार में भी हमको अद्भुत रस देखने को मिलेगा जैसे हमने कहा था नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है उसमें क्या है आश्चर्य है एक तरह से तो जहाँ पे भी आश्चर्य होगा तो ऐसे एक दो हमारे विभावना अलंकार में भी होता है जब हम कहते हैं कि कर बिनु कर्म करे विधिनाना यहाँ यहाँ भी हमें एक आश्चर्य उत्पन्न होता है कि हाथ नहीं है फिर भी बहुत सारे कर्म कर रहा है तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दो चार अलंकार हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक रस हमें देखने को मिलता है तो अद्भुत रस में यहाँ पर हम देखते हैं पंक्ति कि जब कृष्ण ने अपना स्वरूप विस्तार कर लिया है तो फिर कहा है कि यह देख गगन मुझमें लय है ये जो आकाश है ये मुझ में लय मतलब समाया हुआ है मुझे में विलीन है देख यह है देख पवन मुझ में लय है ये जो हवा है वायु है ये ही विलीन है मुझ में विलीन झनकार सकल सकल मतलब सभी झनकार मतलब आवाजें यानी जितनी भी ब्रह्मांड में आवाजे है सबकी सब मुझ में ही विलीन होती हैं मुझ में लय है संसार सकल ये जो पूरा समूचा संसार है सारा संसार ये मुझ में ही समाया हुआ है अब किसी व्यक्ति के अंदर आपको इस तरह की चीज दिखाई दे तो वहां आश्चर्य उत्पन्न होगा तो ये पंक्तियां अलग से आ सकती हैं इनमें होगा हमारा अद्भुत सकल का मतलब सभी समूचा ठीक है इसके बाद कुछ पंक्तियां ये आ जाती हैं जिसके अंदर अद्भुत रस हो जाता है हमारा द्रग हो तो दृश्य अकांड देख में सारा ब्रह्मांड देख मतलब द्रग मतलब नयन अगर नयन है तुम्हारे तो ये जो दृश्य है अकांड मतलब ऐसा दृश्य देख जो तूने नहीं देखा हो और में सारा ब्रह्मांड देख आगे दिया है चर अचर जीव जग छर अक्षर यानी चर अचर हम जितने भी मतलब विरोधी बातें सारी विरोधी बातें नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर नस्वर मतलब नष्ट होने वाला मनुष्य सुर जाति मतलब देवताएं और अमर मतलब जो अमर हैं ठीक है थीके? तो सबके यानी मेरे अंदर तुम इस सृष्टि के हर एक प्राणी को देख सकते हो सत कोटि सूर्य सत कोटि चंद्र सत मतलब सौ ठीक है सौ करोड़ सूर्य सौ करोड़ चंद्र सत कोटि सरित सरित मतलब नदिया ठीक है याद रखना मैं बार बार आपको फोकस कराती हूँ पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे हर जगह और अब आप तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि पार्ट तीन के लिए पर्यायवाची कितने ज्यादा आवश्यक है यानी रस छंद अलंकार अगर इन पंक्तियों का अर्थ आप समझना चाहते हैं तो आपको पर्यायवाची में बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी तो याद रखा करिए पर्यायवाची को और जब मैं कभी किसी चीज को बोलती हूँ अर्थ तो लिख लिया करिए साथ में इससे जब भी कभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आगे दिया है सतकोटी सरित सर सिंधु मंद अलग अलग सर मतलब आगे आता है बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे नदियां तालाब सिंधु मतलब सागर और इस तरह की चीजें यानी मेरे अंदर इतने करोड़ों नदियां तालाब सागर कुएं हर चीज है अब ऐसी चीज अगर आप किसी के अंदर देखेंगे तो वहां पे आपको आश्चर्य उत्पन्न होता है तो अद्भुत रस हो जाएगा आगे पंक्ति कहती है इसी पंक्ति में से कई सारे हैं टुकड़े जो अक्सर आते रहते हैं इसीलिए मैंने डॉट डॉडोट लगाया डॉट का मतलब क्या है पंक्तियां और भी हैं वहां पर लेकिन जिन पंक्तियों के अंदर यहाँ पे आश्चर्य दिखाया है मतलब अद्भुत दिखाया वो पंक्तियां ली हैं यहाँ जैसे दिया है अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख अंबर में कुंतल मतलब बाल बाल के लिए आये आकाश में मेरे बालों का जाल है और पद के नीचे पाताल देख और पैरों के नीचे क्या है पाताल मतलब इतना बड़ा विशाल रूप हो गया ऊपर से लेकर नीचे तक मुट्ठी में तीनों काल देख मेरी मुट्ठी में तीनों काल हैं भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल मेरा स्वरूप विकराल देख तो इस तरह की यानी इन पंक्तियों में भी हमको क्या लगता है अद्भुत लगता है आश्चर्य लगता है तो अद्भुत रस हो जाएगा आगे दिया है देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया अब पंक्ति क्या कहती है अक्सर हम देखते हैं जैसे मान लो ये पंक्ति आ गई कि ये सौदा शिशु के मुख में तो जैसे ही शिशु शब्द आ गया तो अक्सर छात्र इसमें क्या है वात्सल्य समझ लेते हैं तो शब्दों पे कभी नहीं जाना है आपको अर्थों पे जाना है ना अर्थ क्या कह रहा है कि जैसे ही यशोदा ने शिशु के मुख में सकल मतलब सभी समूचा या सारा विश्व की माया देखी यानी सारे विश्व की माया जैसे अपने बच्चे के मुख में देखी तो क्षण भर को वह बनी अचेतन अचेतन मतलब जड़ हो जाना क्षण भर को वो क्या हो गई जड़ हो गई उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे बच्चे के मुख में यह है क्या और हिल ना सकी कोमल यानी एक उसकी जो कोमल काया वो एक इंच भी इधर उधर हिल ना सकी तो जब ऐसा दृश्य देखेगा मान लो आपका बच्चा है और आप अगर उसका मुंह खोल के देखने की कोशिश कर रहे हैं वहां आपको ग्रह नक्षत्र और ब्रह्मांड घूमते हुए नजर आए तो कैसा लगेगा आश्चर्य हो जाएगा तो वही यशोदा के साथ हुआ है कि भगवान कृष्ण के मुख में उन्होंने ब्रह्मांड को देख लिया तो उस समय उनके मन में क्या है आश्चर्य है तो रस कौन सा होगा अद्भुत रस नहीं लगा सकते कैसे लगा लोगे यहाँ पे आपके मन में ममता जग रही है क्या भाव जो होगा और वो देगा ही अगर इसे पूछेगा तो इसमें आश्चर्य के अलावा और कुछ नहीं है इसमें भयानक भी नहीं है इसमें कोई और भी नहीं है ये ध्यान रखिए ठीक है थीके? वो एक है दो रस होते हैं भक्ति रस और शांत रस हमारा जिसके अंदर हम अंतर नहीं कर पाते हैं लेकिन इनके अलावा और कोई ऐसा है ही नहीं बिल्कुल कहाँ वात्सल्य और कहाँ अद्भुत इसमें तो बहुत ही अंतर है है ना एकदम से नंबर तीन पॉइंट हमारा कहता है बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना मैंने आपको बताया था अलंकार कौन सा है विभावना अलंकार है और विभावना अलंकार के जितने भी उदाहरण होंगे सब में रस कौन सा होगा अद्भुत रस ठीक है अब जैसे मैंने आपको रस के नाम बताए तो आप बगल में लिख सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें संदेह अलंकार जैसे अतिशोक्ति अलंकार जैसे विभावना अलंकार ये जो पद दिए हैं इन सब में कौन सा आपको रस देखने को मिलेगा अद्भुत रस तो मान लो आपको अगर रस न पहचान में आ रहा है अलंकार पहचान में आ गया तो आप उसकी मदद से लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये पंक्ति आपको पता ही है कि बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है अब ऐसा आप अगर किसी चीज को देखेंगे कि जिसके पैर नहीं है चल रहा है जिसके कान नहीं है सुन रहा है तो आपको आश्चर्य तो होगा ही ऐसे कैसे हो सकता है हाथ नहीं है लेकिन फिर भी विभिन्न प्रकार के काम कर रहा है आनन रहित मुख है नहीं फिर भी रस का भोग कर रहा है और बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी आवाज नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा वक्ता है बहुत बड़ा जोगी वक्ता है तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसके अंदर ऐसा कुछ है भी नहीं और फिर भी ये सब हो रहा है तो वहां पे क्या होगा आश्चर्य ही होगा तो आश्चर्य है तो अद्भुत रस वहां पर होगा ठीक है अच्छा तो क्या समय आपको बताया ना इतनी इतनी जल्दी भूल जा रहे हो क्या अलंकार अभी तो पढ़े हैं कल पढ़ खाने का मतलब ये जो समय है ये हर आनंद यहाँ पे कहा है आनंद रहित सकल रस भोगी मतलब मुख नहीं है उसके पास आप जो रस ले रहे हो जो आनंद ले रहे हो किसके माध्यम से ले रहे हो मुख के माध्यम से ले रहे हो ना तो यही कहा है कि वो सभी प्रकार के रस भोगता है जो अब हम रस पढ़ रहे हैं इन सभी रस की बात आ रही है अगर आपके मुख नहीं होगा तो आंख नहीं होंगी आंख नहीं होगी तो कान नहीं है मतलब मुख नहीं है तो कान नहीं है मुख नहीं है तो मुंह नहीं है तो ना तो आप बोल सकते हैं ना आप देख सकते हैं ना आप सुन सकते हैं फिर तो फिर फिर आप रस कैसे लेंगे रस के लिए आपको इंद्रियों की जरूरत है ना तो चार इंद्री तो आपके मुख में ही होती है ना तो बात यही कहा है अब आप कहेंगे कि समय कैसे रस का आनंद ले रहा है अरे समय ऐसे आनंद ले रहा है जैसे आप बोलते हो ना कि जब आप सुख में होते हो तो कहते हैं मेरा समय अच्छा चल रहा है जब आप दुख में होते हो तो आप बोलते हैं मेरा समय बुरा चल रहा है समय अच्छा और बुरा कैसे होता है ये चीज आप व्यक्त करते हो ना वो समय किससे जुड़ा हुआ है वो समय जुड़ा है आपसे समय नहीं सुनता है वो सुनते आप हो समय नहीं चलता है वो चलते आप हो आपका जीवन हर क्षण हो रहा है लेकिन वो जो भावना आपके अंदर है जिसे आप समय कह रहे हो वो लम्हा तो आपके हो, आपसे होके गुजर रहा है और आप यही कह रहे हैं ये तो समय समय की बात है तो आप उस चीज को लेके आ रहे हो इसलिए कहा गया है समय के बारे में ठीक है वो सिर्फ क्या है भावना है आपने समय को कभी देखा है महसूस करते हो अगर आपसे पूछा जाए कि समय कौन सी संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है समय भावाचक मैंने बताया ना जहां पे जो जिसे आप देख ना सको जिसे आप छू ना सको और वो अगर आपका आए तो वो हमेशा भाववाचक संज्ञा में रहेगा तो समय किस में आएगा भाववाचक संज्ञा में रहेगा ठीक है चलो इसके बाद आता है सांतरस बहुत हो गया हमारा विभत्स और वीर रस और अद्भुत अब आते हैं सांतरस पर लिखिए परिभाषा इसकी जब किसी काव्य में जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का दमन होना ऑनलाइन में हमारे एक छात्र कह रहे हैं कि मैम क्लास का लाइव नोटिफिकेशन दे दिया करो बालक इतने दिनों से आप क्लास ले रहे हो आपको ये बात तो पता चल चुकी है कि हमारी क्लास डॉट टाइम पे शुरू होती है पहली चीज अब ये जो ऑफलाइन में बच्चे आते हैं इनको क्या मैं हर दिन निमंत्रण भेजती हूँ कि आज आपकी क्लास होगी आना है जैसे ये लोग आते हैं नियमित रूप से वैसे आप लोग भी नियमित रूप से अपनी क्लास देख लिया करो डॉट टाइम पर ठीक है ये तब की बात है ये उन लोगों के लिए है जो डॉट टाइम पे अपनी क्लास शुरू नहीं करते आपको पता है ग्यारह तीस तो ग्यारह तीस पे आपकी क्लास शुरू हो जाती है ठीक है चलो कमेंट करने में इतने ज्यादा परेशान रहते हैं हमारे छात्र बताए क्या लिखा आप लोगों ने जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का दमन होना कौमा संसार के प्रति वैराग का उत्पन्न होना कौमा करके लिखिए संसार के प्रति वैराग का उत्पन्न होना वैराग का उत्पन्न होना अथवा प्रकृति के शांत स्वरूप का अथवा प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन किया जाता है अथवा प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन किया जाता है वहां रस होता है वहां रस होता है एक पॉइंट और लिख लो इसमें छोटा सा उपदेश देती पंक्तियां उपदेश देती पंक्तियां ऐसे लिख लो ब्रैकेट में इसे क्या होगा अगर आपको किसी पंक्ति के अंदर कोई उपदेश देखने को मिले कि उपदेश दिया जा रहा है तो वो भी हमारा किसके अंदर आएगा सांतरस के अंदर आएगा मेरी एक इच्छा है मेरी इच्छा यह है कि मेरा क्लासरूम ऐसा हो जाए कि एक दो छात्र एक जगह बैठे बस मतलब साथ में और हर रो में मतलब मुझे निकलने के लिए जगह हो हम्म बीच में से हम्म उसी तरह से अब मैं सोचती हूँ थोड़ा स्पेस बढ़ाना पड़ेगा तब ये करना पड़ेगा तो उसके साथ ही क्योंकि मैं ये देखती हूँ जब आप लोग लिखते हो या तो ये चीज हो जाए कि मैं खुद चेक कर पाऊ या फिर ये हो जाए कि आप लोगों को मैं परिभाषा लिख कर ही दे दूं यहां पर सामने ऐसे रहेगा मैं चेक करने वाला हा? चलो तो या तो सीटिंग प्लान कुछ इस तरह से करेंगे कि निकलने के लिए स्पेस रहे देखती हूं तो ये क्यों मुझे ऐसा लगता है मैं ये देखती हूं कि आगे वाले बच्चों को तो मैं देख लेती हूँ तो उनका तो मुझे पता चल जाता है लेकिन जो पीछे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे होंगे तो मैं आप लोगों से कहती हूँ अगर आपकी कलम कहीं पे भी रुकती है ना किसी भी शब्द पे तो बोल दिया करो और अगर मान लो बोल नहीं सकते ना तो ऐसे हाथ कर दिया करो और धीरे से इशारे से बता दिया करो मैं समझ जाऊंगी कि कलम कहाँ पे रुकी है तो मैं लिख दूंगी ठीक है तो ये चीज नहीं अब मान लो आप नहीं बताना चाहते किसी को पर गलत मत लिखा करो जब गलत लिखते हो इससे क्या होगा आप लोग यहाँ पे केवल हिंदी व्याकरण ही नहीं सीखने आ रहे आपकी वर्तनी भी बहुत मायने रखती है ठीक है तो इसलिए सही से लिख लिया करो जहाँ पे भी आपको लगे कि इसकी वर्तनी हमें नहीं समझ में आ रही है अब देखो चलो परिभाषा ने हमें क्या बताया परिभाषा ने हमें ये बताया है कि जब किसी पंक्ति के अंदर आपको ऐसा वर्णन दिखे जिसके अंदर संसार से मोह भंग होने वाली बात हो या फिर कोई इस तरह की चीज के जो सन्यासी हो चुका है उसने सन्यास धारण कर लिया हो उस समय का वर्णन हो या फिर प्रकृति का शांत स्वरूप का वर्णन हो या हम कहें कि प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन हो आपको याद होगा जब हमने ये पढ़ा कि नायक या नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन जहां होगा वो क्या होगा संयोग श्रृंगार फिर हमने पढ़ा कि प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन होगा वो कहाँ होगा शांत रस में और प्रकृति के प्रलय रूप का वर्णन होगा वो कहाँ होगा भयानक रस में ठीक है तो ये जो रूप सौंदर्य या रूप का वर्णन ये पॉइंट तीन तरह से आता है अगर परीक्षा में आ गया तो ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। नायिका या नायक के रूप सौंदर्य का वर्णन संयोग श्रृंगार में प्रकृति के प्रलय रूप का वर्णन भयानक रस में और उसके बाद प्रकृति के शांत स्वरूप या प्रकृति का रूप सौंदर्य का वर्णन किसमें शांत रस में ठीक है स्थाई भाव होगा निर्वेद निर्वेद का मतलब होता है वैराग यानी वैराग क्या होता है सन्यास की भावना जब हमारे मन में सन्यास की भावना आ जाती है उसे हम वैराग या निर्वेद कहते हैं आश्रय आलंबन में जिसके मन में वैराग उत्पन्न हुआ है नायक नायिका लेखक पाठक कवि श्रोता दर्शक अब आप ये मत कहना कि मैम हमारे मन में तो नहीं हो रहा उत्पन्न आपके मन में भी होता है नायक और नायिका के मन में अगर जो भाव आ गया वो आपके मन में भी होगा ही होगा और कवि अगर लिख रहा है या लेखक कुछ लिख रहा है या कोई पाठक अगर पढ़ रहा है जिस चीज को तो उसके मन से वो भाव छूता हुआ निकलता है बस ये है कि इसको आपको समझना है कि मन में कैसे भाव आता है विषयालंबन में दिया है वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके कारण वैराग उत्पन्न हुआ है अगर व्यक्ति होगा तो विषयालंबन होगा अगर व्यक्ति नहीं है तो नहीं होगा उद्दीपन की बात करेंगे वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण वैराग उत्पन्न हुआ है जैसे ईश्वरीय ज्ञान मान लो आपको किसी संत महात्मा ने ईश्वर का ज्ञान दिया और आपको ऐसा लगा कि हाँ इस संसार में कुछ नहीं रखा ईश्वर में भक्ति लगानी चाहिए तो आपके मन में वो भावना आ सकती है संतों के वचन कुछ संत होते हैं तो मान लो जैसे एक कहा जाता है छोटी सी कहानी आती है कि एक बार एक राजा या सब लोग अलग अलग नाम लेते हैं कुछ लोगों ने अशोक का भी नाम लिया है कुछ लोग अलग राजा का नाम लेते हैं कि एक बार जैसे अशोक बहुत ज्यादा मारकाट मचा रहा था सीमाएं अपनी बढ़ा रहा था तो तब एक साधु ने उसको मंत्र दिया साधु उनके पास गए और उनसे कहा कि हे राजन मुझे आपसे बहुत आवश्यक काम है तो उन्होंने पूछा बताइए तो उन्होंने कहा कि मुझे चिंता है मेरा एक सामान है जो मुझे आपको आपके पास रखना है उस सामान को तो उन्होंने कहा बताइए तो एक सुई निकाली उन्होंने और ये कहा कि ये छोटी सी सुई है आप इसे अपने पास रख लीजिए और आप मुझे इसे अगले जन्म में दे देना तो राजा ने उस चीज को उस ले लिया लेकिन जब सुना कि अगले जन्म में ले लेना तो राजा ने एकदम से कहा महाराज लेकिन मैं अगले जन्म में आपको कैसे दे दे दूंगा सुई तो राजा ने कहा कहा जो सन्यासी था उसने ये कहा कि क्यों नहीं दे सकते आप ये सब जितना भी आप सारा धन धान इकट्ठा कर रहे हैं और सब क्या है मुझे तो यही लगा ना आप अगले जन्म के लिए सब इकट्ठा कर रहे हैं और ये सारी चीजें तो अगले जन्म में क्यों नहीं दे सकते मुझे तो वहां पे कहते हैं कि अशोक को एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा मैं ये एक सुई की मतलब एक सुई भी नहीं लेके जा सकता तो मैं ये इतना सारा मारकाट मचा रहा हूँ और ये सारी चीज कर रहा हूँ तो ये क्यों ऐसा कर रहा हूं तो आप जिसके लिए भी कहानी रही होगी लेकिन कहानी का मतलब ये है कि अगर कोई इस तरह से संत महात्मा अगर कहेगा और ये बात समझ में आ जाए कि जब मैं ये सुई तक नहीं ले जा सकता अगले जन्म के लिए तो फिर मैं यहाँ पर इतना अत्याचार क्यों कर रहा हूँ तो ऐसे मन में विचार आ जाता है यहाँ पर दिया है जैसे प्रकृति सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य से आपके मन में वैराग कैसे आएगा कोई मुझे बताएगा कि प्रकृति का रूप देखकर वैराग कैसे आना कि जहां पर बहुत खूबसूरत वादियां हों झरने हों नदियां हों चारों तरफ फूल खिले हों यही बात बिल्कुल मतलब कहने का मतलब ये है कि वैराग का मतलब क्या होता है वैराग का मतलब ये होता है कि आपके मन में कोई मोह माया या कोई बंधन ना रहे आप जब चाहे जो डिसीजन ले सकें जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोगों को अभी इसी क्षण मेरे साथ कहीं चलना है पर याद रखिए आप दोबारा कभी वहां से वापस नहीं आएंगे पर मैं जिस जगह लेके जा रही हूं वो बहुत खूबसूरत है यहाँ की दुनिया से बहुत अच्छी है तो कितने छात्र चलना चाहेंगे मेरे साथ अरे तुम तो रहने दो कोई नहीं जाना चाहेगा जब शर्त ये आ गई जब शर्त ये आ गई कि आप वहां से वापस कभी नहीं आएंगे तो आप उस समय क्या कहेंगे अरे मैम पहले एक बार घर वालों से मिल आते हैं बताए आते हैं तो ये जो पीछे जो आपको रोक रहा है ना यहाँ पर इसको कहते हैं मो माया, ठीक है ये क्या है बंधन लेकिन जब आप कभी प्रकृति का ऐसा कोई रूप देखते हैं तो उस समय क्या बोलते हैं देख के हाँ कितना सुंदर दृश्य है मन करता है यही रह जाऊं वही चीज कह रही हूँ ना कि आप जैसे वहां गए आपने देखा और एकदम से उस प्रकृति के सौंदर्य ने आपको क्या कहा कि मन करता है यही रह तो वो जो आपके मन ने ऐसा किया तो वो था वैराग लेकिन फिर आप कहते थोड़ी देर बाद ही जाना तो पड़ेगा घर में मरना मम्मी इंतजार कर रही होगी वो क्या है आपका सांसारिक जीवन है जो आपको खींच रहा है तो यानी रूप सौंदर्य को देखते ही आपके मन में वैराग तो आया क्योंकि आपने हर चीज को त्याग दिया अगर आप हर चीज को नहीं त्याग पाते तो आप ऐसा बोल ही नहीं पाते आपका मन ऐसा करता ही नहीं तो ये भी होता है कि प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हमारे मन में वैराग उत्पन्न होता है और वैराग वही है ठीक है अगला आता है अनुभव अनुभव मतलब आश्रय की चेष्टाएं अब आश्रय की चेष्टाएं क्या होती हैं जब मन में वैराग आ गया तो संसार की भौतिक वस्तुओं का त्याग जब मन में वैराग आ जाता है तो हर इच्छा हर चीज जो भौतिक वस्तुएं उन सबको त्याग दिया जाता है आंखें बंद कर लेना कभी जब मन में बहुत ज्यादा इस तरह से सांसारिक जीवन से मोह भंग अब आपके जीवन में जब होता होगा आंखें बंद करने वाला जो काम है ये तब होता होगा जब आप अपने जीवन में आते हैं यहां पर और कभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो आंख बंद करके लेट जाते हैं किसी से बात नहीं करते उसी तरह से दूसरा आता है और क्या हो सकता है प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाना यानी अगर प्राकृतिक सौंदर्य से आपके मन में भाव जगा है तो आप उस सौंदर्य में खो जाते हैं संचारी भाव में आ जाएगा ग्लानी मतलब पश्चाताप अब वो पश्चाताप जैसा जैसी स्थिति आपकी होगी उस हिसाब से होगा धृति धृति का मतलब पता है ना इच्छाओं की पूर्ति हेतु ठहराव जो हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं क्या हो जाती हैं समाप्त हो जाती है वहां ठहराव आ जाता है कि अब हमें कोई इच्छा नहीं है और क्षमा मतलब फिर आप हर एक चीज को क्या कर देते हैं क्षमा कर देते हैं तो जैसी परिस्थिति होगी वैसा संचारी भाव उठाएगा ठीक है उदाहरण देखते हैं यहां पर दो तरह के उदाहरण हैं ठीक है तीन तरह के उदाहरण हैं जो तीन परिस्थितियां हमने देखी हैं एक परिस्थिति ऐसी जो हम सांसारिक जीवन में रहते हुए भी हमारे अंदर सन्यास आ जाता है वो परिस्थिति है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक का जो प्रकृति का रूप सौंदर्य की बात हो रही है और तीसरा पॉइंट है कि किसी भी चीज को ऐसे देखकर मन से मन में पूरी तरह से वैराग का आ जाना पहला पॉइंट कहता है उठते गिरते जीवन पथ पर चलते-चलते पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुक कर सूनी दृष्टि डाल समुख जब पीछे अपने नैन घुमाता जीवन वहां खत्म हो जाता देखो ये पंक्ति में चार पांच पंक्तियां हैं लेकिन ये चार पांच पंक्तियां बहुत गहरा आपको एक संदेश देती हैं अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके अंदर अलंकार क्या है तो क्या अलंकार होगा इसमें होगा अन्युक्ति अलंकार ठीक है अनियुक्ति अलंकार एक होता है शब्दार्थ और एक होता है भावार्थ तो इसमें भावार्थ है एक अब क्या है ये कहा है ये पूरे जीवन को समेटती है ये पंक्तियां कहती है कभी कहता है कि उठते गिरते जीवन पथ पर अब उठते गिरते यहाँ पे आ गया आपका पूरा बचपन ठीक है कि उठते गिरते तब तो आपने क्या किया बचपन में सीखा और फिर जीवन पथ पर चलते चलते इसमें आ गई आपकी पूरी जवानी तो जीवन पथ पर आप चलते चलते जब आपने शादी की बच्चे पैदा किए बच्चों को बड़ा किया उनका लालन पोषण किया उस समय और फिर उसके बाद अब बच्चे अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं और ऐसा होता है देखो ये स्थिति कैसे आती है मान लो एक व्यक्ति है अपने जीवन में आ, शादी करता है बच्चे पैदा करता है और अपने जितनी भी ख्वाहिशें होती हैं सारी उठा के रख देता है बच्चों की परवरिश में लगा देता है अपने जीवन को और फिर जब उसके बच्चे सक्सेस हो जाते हैं तो उसके बाद जब कभी वो बच्चों को कोई सलाह देता है तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं मान लो हमारे बड़े बुजुर्ग ने हमसे कहा कि अरे ये काम ऐसे मत करो इससे ये हो जाएगा अब क्योंकि हम विज्ञान पढ़ चुके हैं तो हमें समझ में आ रहा है हमें समझ में आ रहा है उनकी बात तो बिल्कुल सही है उसके पीछे कोई और रीजन है वैज्ञानिक रीजन है लेकिन वो कोई अटपटा सा रीजन हमें दे रहे हैं तो हम उसका मजाक बना बनाए आजी हाँ तुमको ज़्यादा पता है ये पुरानी दानुसी सोच और ये सारी चीज तो हम ये कह देते हैं वहां पे वो जो बुजुर्ग होता है वो क्या होता है शांत हो जाता है और जब वो शांत हो जाता है तो उसके मन में वही ठेस पहुंचती है तो यही है वहां पर कि जिन बच्चों के लिए व्यक्ति अपने जीवन को पूरा इस तरह से लेके आता है फिर आगे दिया है ना पथिक पहुँच इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुक दृष्टि दाल सम्मुख जब पीछे अपने नैन घुमाता जीवन वहां खत्म हो जाता जब उसे इस तरह से होता है कि बच्चों की तरफ से जब उसको एक उल्हाना मिलता है और एक ताना मिलता है मान लो कि जैसे आ, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए जितने उसके अंदर सामर्थ्य थी उससे उसने सब कुछ किया लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या कसक गई क्योंकि बच्चा जिस स्कूल से पढ़ा तो वहां पे अमीर बाप की औलाद भी आती थी तो उसके मन में ये कसक थी कि हमारे बाप ने तो हमको बाइक भी नहीं दी और उसके बाप ने तो देखो कार दी है मैं बड़ा हो जाऊंगा ना मैं अपने बेटे को हवाई जहाज दूंगा ये सोच हम बड़े होते हैं फिर जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा होता है और मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया अब आपके पिताजी ने क्या कहा कि बेटा मोबाइल मत दो ये बच्चे को ये बिगड़ जाएगा तो आपको उनकी बात मानने की बजाय कहा रहने दो पिताजी आपने हमारा जीवन ऐसे अभावों में गुजार दिया मेरा बच्चा ऐसे अभावों में नहीं गुजरेगा तो उस समय उनके दिमाग में क्या जाएगी ठेस पहुंचता है और यहाँ पे ऐसे ही व्यक्ति के दिमाग में ठेस पहुंचती है तब वो देखता है तो वहां उसका जीवन क्या हो चुका है खत्म हो चुका है क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन जो है परवरिश में गुजार दिया अपने लिए कुछ भी नहीं देखा तो इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो मन में क्या होता है वैराग उत्पन्न हो जाता है और वैराग उत्पन्न होता है तो दो स्थिति होती है उन बुजुर्गों के साथ या तो वो पूरी तरह से शांत हो जाते हैं कि आप कुछ कहना ही नहीं है बस दो टाइम की रोटी मिल जाए टाइम से वही अच्छा है और दूसरा ऐसा होता है कि वो घर बार को छोड़कर फिर ऐसे जैसे राम रहीम जैसे जो हमारे संत हैं उनके आश्रम में वो अपना जीवन गुजारना शुरू कर देता है फिर बेचारे उन लोगों को वहां भी धोखा मिल जाता है कभी कभी जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं <laughs> खैर चलो ये तो मजाक वाली बात है तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ मनुष्य की उस शैली पर कटाक्ष किया गया है जिस तरह की शैली मनुष्य जी रहा है और इसमें ये दिखाया है कि उसके मन में वैराग किस तरह से आता है अंतिम क्षण में दूसरा पॉइंट कहता है प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल मिलेंगे वे जाकर अतिशीर्घ आह उत्सुक है उनकी धूल अब देखो यहां पे जो ये पंक्ति कही गई है इस पंक्ति में कहा है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूल नहीं कर सकते ठीक है और बासी फूलों के साथ क्या होता है कि वो बहुत जल्दी ही धूल में जाकर मिल जाते हैं और ये पंक्ति आपको क्या सिखाती है ये पंक्ति आपको ये सिखाती है कि प्रकृति हमेशा तरोताज़ा और मुस्कुराते रहना चाहती है यानी प्रकृति वो चीज़ है जो अगर मुरझाया हुआ फूल है भले ही वो फूल है लेकिन अगर मुरझा गया तो उसे भी क्या करती है नीचे गिरा देती है नष्ट कर देती है तो जीवन में ये बात याद रखना ये सीख भी मिलती है आपको कि हमेशा आपके अंदर उत्साह जोश और एक उमंग होनी चाहिए अगर जहां जोश उत्साह उमंग आपके जीवन से खत्म हुई वहाँ प्रकृति भी आपको चलने नहीं देगी समझ गए ना तो यहाँ पर हमारा क्या है क्योंकि प्रकृति के बारे में बात हो रही है उसके रूप सौंदर्य और उसके नेचर के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हमारा क्या है सांतरस है ठीक है नंबर तीन कहता है देखी मैंने आज जरा हो जाएगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा हाय मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण स्वर्ण खरा सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा अब ये पंक्ति आप जानते होंगे ये किसके बारे में कही गई है जरा का मतलब है बुढ़ापा ठीक वृद्ध अवस्था गौतम बुद्ध को जब वो सिद्धार्थ के रूप में थे यानी राजकुमार थे तो उस समय उन्होंने एक दिन बुढ़ापा देखा अब आप उनकी कहानी थोड़ा जानते ही हैं कि जब उनका जन्म हुआ था तो ये कहा था चेतावनी दे दी थी पंडितों ने जैसे कुंडली बनवाई जाती है तो पंडितों ने कह दी थी कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो ये सन्यासी बनेगा अब उनके माता पिता को गई टेंशन कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा ये बात तो ठीक है लेकिन अगर सन्यासी बन गया तो तो उनको टेंशन हो गई तो उन्होंने क्या किया वैराग उत्पन्न करता है उन्होंने कभी बुढ़ापा उन्हें नहीं बताया कभी रोग की अवस्था उन्हें नहीं बताई कभी उन्हें मरना मृत्यु क्या होता है ये नहीं बताया तो इस तरह से कई सारी चीजें उनके आ, से दूर रखी और जल्दी ही छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी अब यशोदरा बहुत ज्यादा सुंदर थी तो यशोदरा से उन्हें बहुत ज्यादा लगाव था बहुत ज्यादा प्रेम था अब ऐसा होता है ना कि जिसकी प्रकृति जैसी है अब प्रकृति ने उसे जिस काम के लिए चुना है वो तो होगा ही होगा तो उनका मन कभी कभी विचलित हो जाता था तो वो चुपचाप कभी कभी अपने महल से बाहर निकल जाते थे अपनी सारथी के साथ तो वैसे ही वो महल से बाहर निकले अब जब वो अनाउंस करके निकलते थे तो उनके राज्य में क्या होता था गरीब बूढ़े बीमार और लोगों को सबको अलग कर दिया जाता छिपा दिया जाता था तो उन्हें बस सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया जाता था अब जैसे वो अचानक से निकले तो उन्होंने एक दिन बुढ़ापा देखा पहली बार देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ इस चीज पर तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा साथी ने बताया कि ये बूढ़ा हो चुका है और हर मनुष्य बूढ़ा होता है तो जैसे ही उन्होंने ये वाली बात कही कि हर मनुष्य बुढ़ा होता है तो उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा उसने कहा हाँ बिल्कुल क्या मेरी यशोधरा भी बुढ़ी हो जाएगी तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल अब उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वहां उनके दिमाग में जो है वो किस पे गया यशोधरा को ही वृद्ध अवस्था में उनकी कल्पना ने देखा तो उन्हें वो ज्यादा क्रूप लगा भयावह लगा फिर उसी तरह से कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने जब वो एक दिन और इस बात से वो ज्यादा परेशान हो गए घर आ गए फिर अगले दिन निकले तो दूसरी बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देख लिया उसके बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि ये बीमारी तो यशोधरा को भी लग सकती है फिर परेशान हो गए फिर तीसरे दिन निकल के गए तो उन्होंने एक लाश को देखा मृत को अब उन्होंने ये पूछा कि ये क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि एक दिन इस संसार से हर प्राणी को जाना ही होगा तो फिर उनका वही सवाल था कि क्या मेरी यशोधरा भी चली जाएगी तो वही बताया हाँ बिल्कुल चली जाएगी अब ये सारी चीजें देख के उनके मन में क्या हो गया वैराग उत्पन्न हो गया क्यों ये कहते हैं ना कि जिस चीज को उनके जीवन में लाया गया था इसलिए कि इसके कारण इसके मन में कभी वैराग ना आए यानी यशोधरा यशोदरा की शादी इसलिए करा दी थी, थी तेरे साल की तेरे चौदह साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी कि ताकि उनके प्यार में रहे सांसारिक जीवन में आ जाए पुत्र हो जाएगा बच्चा हो जाएगा तो सांसारिक जीवन में रहेगा लेकिन वही उनके वैराग का कारण बन गई कि उनके दिमाग में सीधा यही आता था तो वो घर छोड़ के क्यों निकल गए कि मुझे ये पता करना है ऐसा क्यों होता है किस लिए होता है तो उन्होंने फिर त्याग दिया तो वही अब देखो इन्हीं पंक्ति से आपको पता चलेगा कि उनके मन में किस तरह से वैराग आ रहा है कि देखी मैंने आज जरा मैंने आज वृद्ध अवस्था देखी है हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी ये सोधरा। अब ये उनके दिमाग में सवाल है बहुत बड़ा के मतलब मेरी ये सुधरा इसी तरह की हो जाएगी फिर उस पर उन्हें दर्द क्या है हाय मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण स्वर्ण खरा यानी ये जो वर्ण स्वर्ण जो एकदम सुंदर काया है जो कंचन काया है ये क्या होगी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा मतलब वो अपने उन जो अपने बच्चे के साथ और अपनी पत्नी के साथ वो जिस तरह से खुश हैं हंस एकदम से हंसते खेलते हैं तो वो क्या हो जाएगा एकदम नष्ट हो जाएगा तो यहाँ पे उनके दिमाग में ये जो वैराग है बहुत ज्यादा बढ़ता है अब उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया है फिर उसके बाद वो क्या होता है सन्यासी हो जाता है आप लोगों को पता ही है महान सन्यासी होते हैं फिर चलो हाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है ठीक है जब इस संसार के लिए देखो एक बात याद रखना जीवन में जब कोई व्यक्ति इस संसार के लिए समाज के लिए कुछ काम करता है ना तो सबसे पहले जो वो सबसे पहला अत्याचार और अन्याय जो करता है वो अपनों के साथ करता है अपने परिवार के साथ क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता जब समाज समाज के लिए आप कुछ करने उतरेंगे ना, तो परिवार की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो कभी आपको कुछ करने नहीं देती सामाजिक जीवन में तो वैसे लोग जो होते हैं अब इन्होंने क्या किया सीधा त्याग ही दिया पहले ठीक है चलो अब भक्ति रस में लिखो परिभाषा भक्ति रस की परिभाषा लिखे जब किसी काव्य में जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम श्रद्धा ब्रैकेट में लिखना है प्रेम के आगे श्रद्धा जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम ब्रैकेट में श्रद्धा अथवा ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम ब्रैकेट में श्रद्धा अथवा ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का वर्णन किया जाता है का वर्णन किया जाता है। वहां, है वहां भक्ति रस होता है वहां भक्ति रस होता है वहां भक्ति रस होता है पूर्ण विराम लगा के एक लाइन और लिखिए गुरु के प्रति भक्ति भाव भी गुरु के प्रति भक्ति भाव भी भक्ति रस में ही आता है गुरु के अंदर लगने वाली जो र के साथ ऊ की मात्रा है जिन भी छात्रों ने ऐसा लिखा है वो काट दें, क्योंकि ये क्या होता है बड़ा होता है गुरु हमेशा आपको ऐसे लिखना है ठीक है इस तरह से। गुरु के प्रति भक्ति भाव भी भक्ति रस में आता है देखो भक्ति रस में क्या क्या होगा ईश्वर के प्रति जो आपके मन में भक्ति भाव है ईश्वर के प्रति जो प्रेम है ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है वो सब हमारी किस में आएगी भक्ति रस के अंदर आएगी और तो कोई बात नहीं मैंने मुझे पता चल गया ना कि आप में से कुछ लोग गलती कर रहे हैं इसलिए मैंने लिखा ठीक है इसी तरह से जो गुरु के प्रति प्रेम होता है वो भी किसमें आएगा भक्ति रस के अंदर आएगा यहां देखते हैं हम स्थाई भाव इस विषय रति स्थाई भाव हमारा क्या है ईस विषयक रति है अगर ऑप्शन में ईस विषयक रति दिया है तो ईस विषयक रति लगाएंगे नहीं तो अगर केवल रति भी आता है तो हम रति लिखेंगे आश्रय आलम्बन जिसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हुई है भक्त लेखक पाठक कभी श्रोता दर्शक ठीक है विषयालंबन, वह व्यक्ति जिसे देखकर या सुनकर भक्ति उत्पन्न हुई है उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण भक्ति उत्पन्न हुई है जैसे ईश्वरीय ज्ञान संतों के वचन मंदिर मूर्ति आदि अब आप देखेंगे कि सांतरस जैसी ही स्थिति कुछ है तो सांतरस और भक्तिरस लगभग एक जैसा आपको देखने को मिलता है ठीक है अनुभाव की हम बात करेंगे तो आश्रय की चेष्टाएं हो जाएंगी जैसे ध्यान लगाना आंखें बंद करना माला जपना भक्ति के भजन गाना आदि संचारी भाव में आ जाएगा दीनता धृति क्षमा दया आदि उदाहरण देखेंगे यहां पर उदाहरण दिया है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे कमल को छाड़ महातम और देव को ध्यावे परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मत कूप खनावे सूरदास प्रभु काम धैनुतज छेरी कौन दुहावे ये पंक्तियां हैं सूरदास जी की ठीक है और सूरदास जी अपनी भक्ति भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि मेरा जो मन है वो केवल और केवल कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहता है यह कृष्ण की ही भक्ति करता है और किसी देवी देवता की भक्ति नहीं करता क्यों नहीं करता तो उन्होंने अपने मन की स्थिति बताई है कि मेरा मन जो है वो क्या सोचता है कि मेरा मन अंत कहाँ सुख पावे तो अंत कहाँ मतलब अंततः मेरा मन कहाँ सुख पाता है बस एक ही जगह वो है कृष्ण की भक्ति फिर कहा है जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे कहा है, जिस प्रकार से एक जहाज का पंछी उड़कर चला जाता है और फिर वापस जहाज पर आकर बैठ जाता है वैसे ही मेरा मन जो है वो अगर किसी देवता की भक्ति करने जाता भी है तो वापस कृष्ण की भक्ति में आ जाता है ये पंक्ति समझते हो जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे पहली चीज अगर इसमें आपसे कोई अलंकार पूछता है तो क्या होगा दृष्टांत अलंकार मैंने आपको क्या सांतरस इसमें ईश्वर के प्रति भक्ति भावना का प्रदर्शन हुआ है ठीक है तो जहां पे ईश्वर की भक्ति भावना का प्रदर्शन हुआ है वहां आप पहले बोलेंगे भक्ति रस अब ये सांत रस आप उस कंडीशन पे कह सकते हैं क्या हुआ ठंड लग रही है बस पीछे वाला ही हो सकता है आगे वाला हो भी नहीं सकता तो आ, देखो यहां पे भक्ति भक्ति रस छोड़ के शांत रस तब होगा जब ऑप्शन में नहीं हो ठीक है ऑप्शन में अगर भक्ति रस नहीं है तब आप छोड़ के लगाएंगे वो मैं बताऊंगी कि अगर आपको ऑप्शन में ना मिले भक्ति रस और उस पंक्ति में आपको भक्ति रस देखने को मिले और ऑप्शन में अगर शांत रस दे रखा है तो शांत रस लगाएं या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पंक्ति के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई अगर उपदेश देती हुई पंक्तियां हैं तो उसमें शांत रस होगा और ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको भक्ति रस में लिखना पड़ता है ठीक है अब यहाँ पे ये यह कहा है देखो मैंने अलंकार बताया आपको दृष्टांत अलंकार मैंने आपको यह कहा था कि पंक्ति के अंदर कोई कहावत या लोकोक्ति या मुहावरा अगर देखने को मिलता है तो वहां क्या होता है दृष्टांत अलंकार होता है तो इस बात को ध्यान रखिए अब यहाँ पर मुझसे एक छात्र ने प्रश्न किया था कि मैम क्या जो पंक्ति दी हुई है तो जिस पंक्ति के अंदर अलंकार होता है उसमें रस भी होता है तो ये मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया कि एक पंक्ति के यानी जो यहाँ पे पंक्ति दी है इनमें रस भी है इनमें अलंकार भी है और इनमें छंद भी है ठीक है तीनों चीज होती हैं और इसमें काव्य गुण भी है काव्य शक्ति भी है जो आगे हम पढ़ेंगे जो आता है एमपीएसआई में आता है जो पॉइंट तो एक ही पंक्ति के अंदर ये सारी चीजें होती हैं कैसे हमें पता है इस पंक्ति की अगर हम बात करें कि इन पंक्तियों का आभूषण क्या है तो इन पंक्तियों का आभूषण है उनका अलंकार और इन पंक्तियों का प्राण तत्व क्या है रस ठीक है और अगर हम कहें इन पंक्तियों का व्याकरण क्या है तो छंद हो जाएगा ठीक है तो इसलिए एक पंक्ति के अंदर सारी चीजें हो सकती हैं बिल्कुल होगा क्यों नहीं होगा मैंने कहा है, अलंकार एक से अधिक हो सकते हैं पर अभी आपको इस पंक्ति के अंदर ये दिखाए देखने के लिए ठीक है पंक्ति आगे क्या कहती है यानी ये उड़ जहाज को पंछीपूर्ण जहाज पे आवे इसका मतलब ये है कि जैसे ये उस समय की बात है जिस समय पानी के जहाज ऐसे ही नाव टाइप से होते थे उस समय रडार नहीं थे आज तो हम किसी दूरी को मापने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं सैटेलाइट वगैरह हो गई है हमारी उनके माध्यम से चलते हैं पहले पक्षियों को रखा जाता था यानी जहाज पर कबूतर रहा करते थे और कहा जाता है कि कबूतर के जो याद रखने की जो शक्ति है रास्तों को वो बहुत ज्यादा तेज होती थी तो कबूतर उड़ के जाता था आगे और नाविक को दिखाता था दिशा कि आपको नाव किस दिशा में रखनी है इस दिशा में वो ऐसे क्या होता था कि उस दिशा की तरफ जिस दिशा में जाना है तो वो उड़ के उस दिशा में दिखाता है फिर उसके बाद वापस आके उस पर बैठ जाता है तो इसी क्रिया प्रतिक्रिया से यहाँ पे जो हमारे जो उदाहरण लिया है फिर आगे कहा है कि कमल नैन दे कमल, नेन, कमल नेन का प्रयोग यहाँ कृष्ण के लिए हुआ है कि कमल नैन को छोड़कर कोई महातम मतलब मूर्ख ही होगा जो और दूसरे देवता का ध्यान करेगा परम गंग को छाड़ पियास और ये बिल्कुल कैसे बात होगी ये बिल्कुल ऐसी बात होगी कि परम गंग को छोड़ प्यासो यानी कोई प्यासा परम पावनी गंगा को छोड़कर दुर्मति, दुर बुरा मति माने बुद्धि अर्थात मूर्ख बुद्धि ठीक है तो मूर्ख बुद्धि वाला ही होगा जो कूप खनावे कूप माने कुआ खनावे माने खो देगा तो प्यास लगी है और सामने परम पावनी गंगा है उसको छोड़कर कुआ खोद रहा है क्यों? क्योंकि उसे पानी पीना है तो ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि कृष्ण को छोड़कर किसी और दूसरे देवता की भक्ति करता है तो वो मूर्ख होगा आगे दूसरा उदाहरण देते हैं सूरदास प्रभु काम धैनु तज छेरी कौन दुहावे सूरदास जी कहते हैं कि साक्षात काम धैनु को छोड़कर छेरी माने बकरी बकरी का दूध कौन धोएगा यानी जब साक्षात काम धैनु हैं तो काम धैनु को छोड़कर बकरी का दूध कौन धोएगा तो यहां पर यानी उन्होंने अपनी भक्ति की भावना का प्रदर्शन किया है तो इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा भक्ति रस ठीक है दूसरी पंक्ति कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमूल दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो इन पंक्तियों में भक्ति रस है मीरा जी कहती हैं कि मैंने राम रूपी रत्न धन को पा लिया है और हे मेरे सतगुरु आपने मुझे ये वस्तु बहुत ही अमूल दी है और आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की जो आपने मुझे अपनाया और ये ज्ञान दिया है ठीक है तो गुरु के प्रति जो उन्होंने बात कही है उसमें भी और एक बात ध्यान रखिए मीरा जी के यहाँ पर कोई भी दोहे आते हैं मीरा जी की कोई भी पंक्तियां आती हैं तो वो हमेशा किस में रहेंगी भक्ति रस में हमारे देश में कुछ ज्यादा ही मतलब लोगों को ना अर्थवर्थ समझना नहीं होता है कुछ भी उल्टा फुल्टा बताते हैं तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मीरा के सारे दोहे जो हैं श्रृंगार रस में आएंगे याद रखिए श्रृंगार रस है नायक नायिका के मिलन पर नायक नायिका स शरीर उपस्थित होने चाहिए अब जो यहाँ पे मीरा जी हैं, वो कृष्ण की मूर्ति से प्रेम करती हैं। नायिका तो है नायक कहाँ है यहाँ पर क्या नायक मूर्ति को मान लेंगे आप नायक है ही नहीं कहाँ कृष्ण का जन्म हुआ कब तो कृष्ण और कब मीरा तो ये बात ध्यान रखिए, मीरा ने भले ही उन्हें अपना पति कहा है भले ही उन्होंने अपना प्रेमी कहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मीरा की पंक्तियों में कभी आपको वासना नहीं देखने को मिलेगी तो जिसके अंदर वासना नहीं है वहां पर श्रृंगार कभी नहीं हो सकता श्रृंगार कहाँ है जहां वासना अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव प्रेम श्रद्धा मीरा कृष्ण से प्रेम करती हैं और हम ईश्वर से प्रेम करते हैं मान लो हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं हम अपने गुरुजन से प्रेम करते हैं तो हर प्रेम को आप रस में नहीं रख सकते अगर ऐसा होता तो भक्ति रस और वात्सल्य रस नहीं बना होता ठीक है तो इस बात को ध्यान रखिए और अगर कोई आपको ये कहे कि नहीं जैसे उनका एक पंक्ति आती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई इस पंक्ति में अगर रस कभी पूछा जाता है तो कुछ लोग इसको श्रंगार रस में रखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है सरासर गलत है मीरा के सभी दोहे किस में आएंगे भक्ति रस में आएंगे पॉइंट नंबर number... वासना क्या होता है हाँ सूरदास का क्या हो रहा है हम्म ये ऊपर वाला सूरदास का है इन्होंने कृष्ण के ये तो कृष्ण के समय के हैं मतलब सॉरी कृष्ण के समय के नहीं ये अपनी कृष्ण के प्रति इनका भी अपना भक्ति का रूप है और मीरा का अपना रूप है सूरदास ने कृष्ण को एक नायक के रूप में मानकर उनकी भक्ति भावना की है और मीरा ने कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति भावना की है तो दोनों में अंतर होता है तो दोनों में ही भक्ति है ठीक है तो इसलिए हम इसे नहीं कह सकते हाँ छोड़ना त, नहीं त्या, छोड़ना होता है तजी माने छोड़ना ठीक है तज कर तजी का मतलब नहीं समझते कि ये तज दो तजना जो कहते हैं वो होता है छोड़ना त्यागना ठीक है और दुहावे का मतलब होता है दोहना तो दोहा किसे जाता है दूध ही तो दोहा जाता है ना निकालना दूध निकालना जिसे बोलते हैं नंबर तीन पॉइंट कहता है तू तू करता तू भया मुझ में रही बारी फेरी बल गई जित देखा तित तू तो यहां पे कवि कहता है कि तू तू करता मतलब तेरा नाम लेते लेते मेरे अंदर की जो हूं थी इस हूं का मतलब है अहंकार ठीक है इस हूं का मतलब हो गया अहंकार कि तू तू करता तू भया मैंने तेरा नाम लेते लेते मैंने जैसे तेरा नाम लेता रहा तो मेरे दिमाग में जो है वो तू ही चढ़ गया मुझ में रही मेरे अंदर का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया मेरे अंदर जो अब हूं थी वो खत्म हो गई बारी फेरी बल गई जित देखा तित तू इतनी बार मैंने तेरा नाम फेरा कि मेरे अंदर की जो बली मतलब अकड़ थी वो सारी निकल गई और अब मैं जिधर देखता हूं वहां पर तू ही तू है तो ये किसके लिए कहा गया है अब यहां मत बोलना प्रेमिका के लिए कहा गया है ये ईश्वर के लिए ही कहा गया है ठीक है हाँ जी, हाँ इसमें आ, नहीं यमक कैसे है अनुप्रास अलंकार में आ जाएगा तू तू आ रहा है त आ रहा है फिर अंत्य अनुप्रास हो जाएगा नहीं अंत्या नहीं होगा इसमें अनुप्रास अलंकार ही हो जाएगा ठीक है तू तू आ रहा है हाँ आवृत्ति जो हो रही है इसकी ठीक है चलो बच्चा वासना कहते हैं संभोग करने की इच्छा अब संभोग क्या होता है सेक्स को कहते हैं ठीक है उसे कहते हैं ठीक है अब ये चीज देख लो आपको अंतर हाँ हवस कह सकते हो आप उसे लेकिन हवस कहना और वासना कहना ये देखो प्रेम को इतना भी मत करो हवस होता है एक अलग जिसके अंदर आ, मतलब जो हर टाइम वो गलत में जाता है लेकिन वासना एक इच्छा है कि हाँ ठीक है आप किसी से प्रेम करते हो तो उससे मिलन करना चाहते हो तो वो एक इच्छा है उसे आप एक अच्छी इच्छा भी कह सकते हो वो इच्छा ना हो तो फिर सृष्टि का संचालन कैसे होगा ठीक है इसलिए हवस नाम नहीं दे सकते चलो आगे आता है नेक्स्ट नंबर वात्सलरस ठीक है नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है जब किसी काव्य में लिखो जब किसी काव्य में किसी बालक की जब किसी काव्य में किसी बालक की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया जाता है जब किसी काव्य में किसी बालक की बाल लीलाओं का बाल लीलाओं बाल और लीला ठीक है लीला बहुवचन हो जाएगी आप लिखोगे इस तरह से बीच में योजक चिन्ह लगाना लीलाओं कृष्ण की लीला सुनिए ना ऐसे ही बच्चों की लीला होती है जो बच्चों का हरकतें होती हैं उसे कहते हैं बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया जाता है ऐसा वर्णन किया जाता है जिससे मन में जिससे मन में जिससे मन में ममत्व उत्पन्न होता है जिससे मन में ममत्व उत्पन्न होता है ममत्व मतलब ममता ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो ममत्व कहेंगे ममता की भावना जब किसी काव्य में किसी बालक की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया जाए जिससे मन में ममत्व उत्पन्न होता है वहां वात्सल्य रस होता है वहां वात्सल्य रस होता है ये ध्यान रखिएगा हम लोग आगे आने वाले दिनों में शनिवार की भी क्लास लेने वाले हैं मैं ये सोच रही हूँ कि दीपावली की छुट्टी होने से पहले जिन लोगों ने वर्णमाला से क्लास शुरू करी है उनका बैच समाप्त हो जाए समझ रहे ना तो हमें सटरडे के दिन भी क्लास लेनी होगी और अच्छा ही हो जाएगा क्योंकि वहां पे आपको पता है ना दस दिन की छुट्टी हो रही है लंबा पहुंच जाएगा फिर अब वो सैटरडे संडे बीच में आ रहा है ना मैं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं मैं तो यहीं पे रहूंगी फिर वही है कि आप लोग घर जाने के बाद कहेंगे आप ही लोगों से तो पूछ के मैंने दी है वो छुट्टी क्या चलो पहले ध्यान दो बाद में चर्चा करेंगे वात्सल्य में हमने पढ़ा है कि जो कोई बच्चा है और बच्चे की जो आपस में जो क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं माँ और बच्चे के बीच में उन सब का वर्णन अगर किसी ने किया है तो वो हमारा किस में आता है वात्सल्य रस में आता है जब मैं नॉन स्टॉप बोल रही हूं तो मुंह बंद नहीं रखा जा सकता मतलब मैं तेज इसलिए बोल रही हूं, क्यों आपको मैं इशारा दे रही हूं कि अब आप चुप हो जाओ यहां मैं जितनी देर मैंने कुछ बोला कुछ तो समझ में आने वाला नहीं है आपको इतने बड़े हो गए हो छोटे बच्चों जैसी हरकतें करते हो अच्छा लगता है आप लोगों को मुझे डांटना मतलब मैं डांट रही हूं आपको अच्छा लगता है फिर मेरा हाथ भी उठ जाता है और देख रहे हो कितना मोटा डंडा पड़ा हुआ है और झाड़ू भी है ना? चलो देखो स्थाई भाव संतान विषय कृति संतान विषय कृति मतलब संतान के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है आश्री आलंबन में आ जाएगा जिसके मन में ममता उत्पन्न हुई है माता पिता लेखक पाठक कवि श्रोता दर्शक विषयालंबन की बात करेंगे तो बालक जिसे देखकर या सुनकर मन में ममता उत्पन्न हुई है उद्दीपन में वे परिस्थितियां जिसे देखकर या सुनकर मन में ममता उत्पन्न हुई है जैसे बालक का घुटमन चलना तुतलाकर बोलना और अन्य बाल लीलाएं तो आपको पता है बच्चे किस तरह की हरकतें करते हैं अब आप देखे किसी भी बच्चे के बारे में आप सुनते हैं तो मन में ममत्व उत्पन्न होता है अनुभाव हो जाएगा आश्रय की चेष्टाएं अब जब मन में आश्रय के अंदर भाव आ गया तो उसकी चेष्टाएं क्या होंगी बच्चे को गोद में लेना दुलार करना उसके जैसी ही बोली बोलना अब बच्चा कोई तुतला कर बोल रहा है तो आप भी तुतला कर ही उससे बात करने लगते हैं ठीक है तो ये उसकी चेष्टाएं हो जाएंगी संचारी भाव हर्ष मोह गर्व उत्सुकता चपलता जिज्ञासा आदि ठीक है मन में खुशी हो जाएगी मोह यानी ममत्व उत्पन्न होगा गर्व होगा कि देखो बच्चा किस तरह की हरकतें कर रहा है और मेरा इतना इंटेलिजेंट बच्चा है ये सारी चीजें चपलता चंचलता ये सब ठीक है अब यहाँ पे वात्सल्य रस के दो भेद मानते हैं कुछ लोग एक मानते हैं संयोग वात्सल्य और एक मानते हैं वियोग वात्सल्य ध्यान रखना वात्सल्य वहां होगा जब संतान पास होती है और उसका व, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है वहां संयोग माना जाता है। जैसे उदाहरण दिया है हमारा शोभित कर नवनीत लिए घुटरन चलत रेनु तन मंडित मुख दही लेप किए सूरदास जी का दोहा है ये ठीक है सूरदास जी बात कर रहे हैं कृष्ण की उस घटना का वर्णन कर रहे हैं जब कृष्ण जी माखन चोरी करके लेके आए हैं तो शोभित कर नवनीत नवनीत का मतलब है मक्खन कर माने हाथ में तो कृष्ण जी ने अब क्या हुआ है चुपके से जाके उन्होंने माखन चुराया और माखन लेके आ रहे हैं लौट रहे हैं तो उस समय का वर्णन है कि वो उन्होंने अपने हाथ में माखन ले रखा है और वो माखन इतना सुंदर लग रहा है आगे दिया है कि घुटरन चलत और घुटनों पे चलते आ रहे हैं तन रेनु तन मंडित मुख दही लेप किया मुख पे दही लगी हुई है हाथ में मक्खन लगा हुआ है तन पे इधर उधर मक्खन लगा हुआ है और घुटमन चले आ रहे हैं और वो उससे इतने स्वभामान हो रहे हैं अब मान लो कि कोई बच्चा इस तरह से आपको दिखाई दे कि कोई चीज चुरा ले के लेके आया है और जब वो आपकी तरफ बढ़ेगा बहुत खुशी के साथ बढ़ेगा तो वहां पे क्या आता है गुस्सा आएगा कि उस उसपे दुलार आएगा दुलार आता है ठीक है ममत्व होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा वात्सल्य रस हो जाएगा दूसरी पंक्ति मैया कभ बढ़ेगी चोटी कितक बार मोहि दूध पियत भई यह अजो है छोटी तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी काचो दूध पियावत पचपच देत न माखन रोटी अब देखो ये कितनी मतलब कृष्ण जी की बहुत एक कहते ना अनोखी लीला का वर्णन किया है कि जो कृष्ण जी हैं उनको चोटी बहुत पसंद है और दूसरी चीज़ यह है कि माखन खाते रहते हैं दिन भर दूध वूध पीते नहीं हैं तो माता ने अभी उनकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया है कि चोटी पसंद है तो उनकी चोटी तो बहुत छोटी सी है और जो यहाँ पे दिया है ना बल बल मतलब बलराम की बात हो रही है यहाँ पे तो बलराम की जो चोटी है वो बलराम तो चार पाँच साल बड़े हैं तो उनकी चोटी ज़्यादा बड़ी है तो कृष्ण जी को हमेशा वही चोटी पसंद है तो माँ ने उनको ये बोल दिया कि अगर बलराम दूध पीता है तो इसलिए उसकी चोटी इतनी मोटी है अब तू दूध नहीं पीता तो तेरी चोटी यहाँ पे कैसे बड़ी होगी तो आप ऐसे ही आप कल्पना कर लो कि किसी छोटे बच्चे को कोई चीज़ बहुत पसंद हो और वो उस चीज़ को हर कीमत पे पाना चाहता है तो अब वो जो चीज़ खा नहीं पा रहा है वो उसको ये बोल दो कि जब तू ये खा लेगा तब तुझे ये मिल जाएगा तो कैसे भी हो वो चाहे मुँह बनाते हुए कैसे भी हो उसको निकलेगा ज़रूर क्योंकि उसे वो चाहिए आप ही बताती हूँ पहले पीछे का बैकग्राउंड तो समझ लो ठीक है तो यहाँ पे अब यह हुआ है कि माँ यशोदा ने उनसे कृष्ण जी को कह दिया कि अगर तू दूध पिएगा तो तेरी चोटी बढ़ जाएगी अब कृष्ण जी दिन में दो तीन बार दूध पी रहे हैं और जैसे दूध पीते हैं वैसे ही चोटी पकड़ के देखते हैं चोटी बड़ी नहीं हो रही है परेशान हो गए हैं और परेशान होके माँ से आखिर पूछ लिया है मैया कभ बढ़ेगी चोटी हे मैया ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी कितक बार मोही दूध पियत भाई यह अजू है छोटी कितनी बार हो गया मुझे दूध पीते हुए यह आज भी छोटी है तू जो कहती बल्कि बहनी तू तो कहती थी कि जैसे बलदाऊ की बहनी यहाँ पे छोटी है बहनी का मतलब ठीक है तू तो कहती थी कि जो बलदाऊ की जैसी चोटी है ज्यों मतलब उसके समान है ठीक है हवे हवे का मतलब हो जाना ठीक है लंबी मोटी यानी तू तो कहती थी कि अगर मैं दूध पीऊंगा तो बल्कि बहनी के समान उनके जैसी मेरी मोटी लंबी चोटी हो जाएगी काचो दूध पियावत पचपच ने माखन रोटी मतलब जब भी मुझे मतलब दूध पच जाता है फिर दोबारा से कच्चा दूध पिला देती है फिर दोबारा और मुझे माखन रोटी नहीं देती है तो यहाँ पे अब बच्चा इस तरह की हरकत करेगा अब आपको पता है कि कोई बच्चा ऐसे बोले आपने उसे ऐसे कहा जैसे अक्सर छोटे बच्चों को आदत होती है कि मैं बड़ा कब मैं इतना लंबा कब होगा तो आप बोल देते हैं देखो दूध पिएगा तो लंबा हो जाएगा अब वो एक घूट दूध पी के आके फिर देख रहा लंबा हुआ कि नहीं हुआ अब उसकी ऐसी हरकतों पे क्या आएगा दुलार आता है यानी मन में क्या होता है वात्सल्य उत्पन्न होता है ठीक है आगे देखते हैं अगला तीसरा पॉइंट दिया है जसोदा हरि पालने झुलावे हिरावे दुलावे मलरावे जोई सोई कछुगावे कभ पलक हरी मूंद लेते हैं अधर फरकावे अधरकावे अपंक्ति कहती है अब स्थिति ऐसे है कि जो कृष्ण जी हैं वो छोटे से हैं और यशोदा उनको गोद में लेके हिलाकर यानी दुलार करते हुए ना सुलाने की कोशिश कर रही है तो कहा है कि यशोदा हरी पालने झुलावे जो यशोदा है वो हरी मतलब कृष्ण को पालने में झुला रही हैं हिलावे दुलावे मल्हावे जोई सोई कछुगावे कभी हिलाती हैं दुलारती हैं उन्हें कभी कुछ गाना लोरी गा के सुनाती हैं कबू पलक हरी मूंद लेते हैं कब अधर फरकावे अब कभी तो वो पलके मूंद लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे सो गए हैं और कभी अचानक से अधर मतलब होठ तो होठ फड़फड़ाने लगते हैं फिर माँ को ऐसा लगता है कि अभी जग रहा है सोवत जान मौन हैवे कर रही करी करी सैन बतावे अब जैसे मान लो उन्होंने पलके मूंद ली हैं तो यशोदा समझती हैं कि अब ये सो गया है तो वो जो गाना गा रही हैं वो शांत हो जाती हैं और सैन करके बताती हैं नंद बाबा को कि अब ये सो गया है इही अंतर अकुलाए उठे हरी जसमत मधुर गावे और फिर एकदम से जैसे ही लोरी बंद हो जाती है एकदम से अकुला के उठ जाते हैं और फिर से ये सोदा क्या करती है मधुर गाना गाना शुरू करती है तो जो सुख सूर जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भावनी पावे अब सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख की प्राप्ति अमर मुनियों के लिए भी दुर्लभ है वो सुख की प्राप्ति नंद की भामनी मतलब भामनी मतलब पत्नी नंद की पत्नी यशोदा उस सुख की प्राप्ति कर रही हैं मतलब क्या है कि जो कृष्ण है अब कृष्ण को यानी हरि को बच्चे के रूप में खिलाना उनके लिए सौभाग्य की प्राप्ति है आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वियोग वात्सल्य रस वियोग वात्सल्य रस क्या कहता है जब संतान दूर हो और उसकी बाल लीलाओं के बारे में बात करके माँ पिता या कोई भी उदास हो वहां पर क्या आता है वियोगा वियोग वात्सल्य रस आता है अब यहाँ कुछ उदाहरण इस तरह से दिया है ये उदाहरण उस समय का है जब अक्रूर जी आते हैं और यशोदा को ये बताते हैं कि ये कृष्ण आपका पुत्र नहीं है ये देवकी का है और अब 18 साल के हो गए हैं कृष्ण जी और आपको इन्हें वापस भेजना होगा तो उन्हें जब इस सत्य का पता चलता है नंद बाबा के द्वारा तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो बहुत ज्यादा रोती हैं और रोने के बाद फिर वो कहती हैं अक्रूर जी से उन्हें अपना संदेश देती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो हो तो धाए तिहारे सुत की दया करत ही रही हूँ तो वो कहते हैं हे अक्रूर जी मेरा संदेशा जो है देवकी से कहना ऐसे तो मैं धाय हूँ जन्म ना लिया हो लेकिन पालन पोषण कैसा किया हो अपनी संतान के जैसा कि ऐसे तो मैं आपके सुत की आपके पुत्र की क्या हूँ धाय माँ ही हूँ पर फिर भी दया करत ही रही हूँ मेरे ऊपर भी थोड़ी सी दया करना कभी इस बच्चे को मेरे पास भेज देना ठीक है उसमें वो चाह रहे हैं कि मुझे भी माँ का सुख मिल जाए आगे तुम तो टेब जानती ही हो तो मोए कही आवे आगे यशोदा कहती है कि तुम तो टेव टेव मतलब यहां पे आदत से है कि ऐसे तो तुम उसकी आदतों को जानती हो क्योंकि जो माँ होती है वो अपने बच्चे की आदतों को भली भाती जानती है तो मोय कहीं आवे फिर भी मेरे मन में अंदर से आ रहा है कि मुझे फिर भी इतने दिन से आपके पास नहीं है मेरे पास है तो फिर मेरा मन कह रहा है कि मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं। तो आगे कहती है कि प्रातः उठत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे कि सुबह होते ही जो मेरा ये लाडला पुत्र है इसको माखन रोटी भाती है तेल उबटन अरु तत्तो जल ता देख भजी जावे यानी तेल उपटन और गर्म पानी को देख कर देखते ये क्या होता है भाग जाता है एकदम क्योंकि इसे नहाना अच्छा नहीं लगता है और जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम कर करके नहावे मतलब फिर इसके वचन होते हैं शुरू कि ये मुझे देना है ये मुझे देना है तो हर चीज़ के लिए मैं उसे देती जाती हूँ हामी भरती जाती हूँ तब जाके ये नहाता है मेरा अलग लड़े तो मोहन है है करत संकोच मतलब आगे कहती है कि ये जो मेरा लाड़ला मोहन है कृष्ण है ये दूसरों के सामने संकोच करता है मतलब हर किसी के सामने इतनी जल्दी खुलता नहीं है संकोच करता है सूर पथिक सुनी मोहि ही रैन दिन बड़ो रहत उर्सोच अब यहाँ पे जो जसोदा जी है वो ये कह रही हैं कि यहाँ पर देखो पथिक मतलब उनके लिए कहा है कि हे पथिक ये बात सुन लो कि जब तुम इसे लेके जाओगे मेरे दिल में मेरे हृदय में ये संकोच घुसा रहता है कि पता नहीं कैसे होगा क्योंकि मेरा जो पुत्र है यह हर किसी से अपने मन की बात नहीं कहता है तो उनके दिल में यानी उर्व यानी हृदय मेरे हृदय में पूरे दिन ये सो ये सोच भरा रहता है कि ये कैसे करेगा वहां जाकर जहां इसके पास मैं नहीं होंगी तो यहाँ क्या है माँ के मन में दुख है दर्द है और संतान के प्रति संतान की आदतों को याद करके वो अपने मन में ये दर्द लेके आ रही हैं, तो यहां पर वियोग वात्सल्य रस होगा ठीक है ऐसे तो वात्सल्य ही पूछा जाता है पर ये संयोग और वियोग वाला जो आता है कॉन्सेप्ट ये जो शिक्षक की परीक्षा होती है उनमें आ जाता है तो इसलिए मैंने बता दिया अब आप पंक्ति से पहचान लेंगे आपकी परीक्षाओं में तो वात्सल्य पूछा जाएगा जहां बच्चे के बारे में बात हो रही है बच्चे की क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बात हो रही है वहां वात्सल्य होगा और जब बात आए संयोग और वियोग की तो आप उस समय समझ जाना कि अगर बच्चा सामने है या उसके जिस बात को सुनकर मन में उत्साह और खुशी उत्पन्न हो रही है वो क्या हो जाएगा संयोग वात्सल्य में और जिस बात को सुनकर मन में दुख उत्पन्न हो रहा है वो वियोग वात्सल्य हो जाएगा ठीक है तो आपके रस यहां पर समाप्त हो जाते हैं हमने ग्यारह रस पढ़े ठीक है अब यहां पर देखो दो चीजें हैं या तो हम चाहें तो इसको यहीं पे समाप्त कर सकते हैं रुक जाओ समाप्त करने वाले कर दीजिए पर अगर मैंने यहाँ पे समाप्त कर दिया तो जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो आप नहीं कर पाएंगे तो एक दिन की क्लास और हमारी इसमें लगेगी तो हम उस क्लास को लेंगे यानी उसमें मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगी लेकिन उससे पहले आपका होमवर्क है होमवर्क ये है आज के लिए कि यहाँ पर जो दिए गए हैं अभ्यास हेतु है, कुछ पद आपको इनके सामने पेंसिल से इनका रस पहचान कर लिख ले के लेके आना है ठीक है कि कौन सा है ताकि मुझे पता चले कि आपको रस निकालना आया है या नहीं आया है और फिर इसके बाद कल इसके प्रश्नोत्तर करेंगे क्योंकि प्रश्नोत्तर में करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि जो आपने ये ग्यारह रस पढ़े हैं कितनी आसानी से आप रस की पहचान करेंगे ठीक है चलो आज के लिए इतना है